गैस के साथ साथ मुर्गा भी उड़ गया। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज के दिन की भी शुरुआत हो चुकी है और आज सुबह सुबह होते ही होते ये पधार चुके हैं घर पर। ऐसा है कि ये दो दिन की मतलब एक दिन स्कूल जाते हैं, दो दिन की छुट्टी मारते हैं, प्लस फिर इतवार भी पड़ जाता है, तो ये बहुत कम पढ़ रहे हैं। तो उनके बाप रे स्कूल खोलो है। हाँ, ये बातें बहुत ध्यान से इनको याद रहती है कि इतवार है तो कौन स्कूल खोलेगा, लेकिन छुट्टी बराबर करते रहते हैं। बाकी ये इसलिए बार बार आ जाता है क्योंकि मम्मा सिल रही है इनका कुर्ता पजामा, तो बार बार देखने आ जाता है कि पजामा सिल गया, क्या सिल गया, नाड़ा लग गया उसमें कि नहीं लग गया। तो यहाँ पर ये हमारी मम्मा से मेहनत करवा रहे हैं, प्लस देखते भी जा रहे हैं, प्लस स्कूल की छुट्टी भी मार रहे हैं। पढ़ने का इनको बिल्कुल भी शौक नहीं है। हमको शौक है सिर्फ खेलने का। बहुत अच्छी बात है, वाह। इनके लिए दो चार गालियां पेश कर दी जाए। तो गाइस, दोपहर का खाना हम खा रहे हैं और दोपहर के खाने में है कचौड़ियां, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, मम्मा भी अर्स की सिलाई कर रही हैं, सब बिजी हैं, मम्मा सब कचौड़ियां आ गई हैं। ठीक है गाइस, तो खा लेते हैं, हम खा ले नहीं खाए नहीं तो फेंक दें। तो गाइस फाइनली मम्मा जो है अब शाम के खाने का इंतजाम कर रही है, यहाँ पर प्याज कर रही है। आप समझ गए होंगे कि प्याज किस लिए काटी जाती है ना। लो प्याज तो बहुत कामों के लिए काटी जाती है, पकौड़ों के लिए काटी जाती है, कचौड़ियों के लिए। हाँ, ये बात सही है। तो फिर बता देते हैं, मुर्गा बनाएंगे मम्मा शाम को चिकन, तो मजा आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कटिंग चल रही है, पापा को भूख लग रही है, पापा चावल गर्म कर रहे हैं खाने के लिए। अर्स गाइस चला गया, आज पूरा दिन यही पे रहा अपने कपड़े देखने के लिए। और क्या, उसकी वजह से आ रहा है वो कुर्ती पजामे के चक्कर में। गाइस आज हमारा चूल्हा खराब हो गया है, पॉपट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चूल्हा है ना वो खराब हो गया है। ये चूल्हा इतना पुराना है कि जब हम पैदा हुए होंगे उस टाइम का ये चूल्हा है और ये अब तक है, लेकिन अब जाकर ये खराब हो गया। अब क्या है गाइस कि देखो, या तो ये संभलेगा या फिर तो फिर नया ही आएगा एक सीधा, है ना। उस टाइम पे हमको चूल्हे पे रोटी बनाना पड़ती थी, खाना वाला जलाने वाला जो चूल्हा होता है ना उसके, पर आपकी वजह से ये लेना पड़ा था चूल्हा। अच्छा, ताकि हमको बना बना के खिला सको। अब तक बना बना के खिला, अब देखो यही संभलता है या फिर नया आता है। ये क्या पकड़ हो गया, इसकी सारी गैस चली गई। अरे हाँ, सोफा नुकसान हो गया, चूल्हे के खराब होने की वजह से सारी सिलेंडर की गैस ही गायब हो गई। पूरा सिलेंडर अभी नया नया मंगाया था और पूरा सिलेंडर की गैस उड़ गए। कितना मतलब महंगा आ रहा है ये तो आप जानते ही होंगे। 1100 रुपए का सिलेंडर आता है, 1100 का आ रहा है और वो कुछ दिन में उड़ गया। क्योंकि हमारा सिलेंडर काफी दिन चल जाता है, बिकॉज हमारे पास ये वाला जो चूल्हा है लाइट वाला। काश हम कह रहे थे कोई नए घर में जाए तो नया मतलब चूल्हा बनाए, यहीं पर बनाना पड़ रहा है, नया चूल्हा भी लेना पड़ेगा गाइस। अब क्या होगा गाइस। तो गाइस मम्मा अभी चिकन बना रही हैं और यहाँ पर ये खड़ी हुई हैं, मुस्कुरा रही हैं चिकन बनाते बनाते, जैसे कितनी खुशी की बात है। मतलब मैं मुस्कुराते हुए खाना बनाती हूँ, गुस्से में नहीं बनाती। हाँ, तभी तो मम्मा के खाने में स्वाद आ जाता है बहुत तंगड़ा वाला। यस यस गाइस, आप लोगों को भी मिलेगा खाने को अगर आप लोगों ने हमारे 1,00,000 सब्सक्राइबर करा दिए, पार्टी होगी तब सारी मतलब एक बड़ी सी पार्टी करेंगे और उसमें बनाने वालों को नहीं बुलाएंगे, सारी देख मम्मा से उधरवाएंगे। सब बिरयानी वगैरह कारीगर आएगा तो कुछ नहीं मंगाएंगे, सीधी मम्मा करेंगी, सारी देख बनाएंगी, सारे जो भी काम होगा सब मम्मा। टोपी लगा लूंगी सेफ वाली। हाँ, तभी मम्मा सेफ बन जाएंगी गाइस। और गाइस अभी शाम का वक्त हो रहा है और हमको शूट करने भी जाना था, लेकिन अभी नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा और टाइम हो जाएगा ना, थोड़ा सा जब और टाइम हो जाएगा थोड़ा सा तब जाऊंगा। अच्छा, समझ रहे हो, लो लाइट। हाँ, लो लाइट मतलब जब सूरज डूबता है तो कुछ अलग ही क्वालिटी आती है फोटोज में। अच्छा, और हम फोटोग्राफर जो ठहरे तो हमको पता है किस टाइम शूट करना चाहिए किस टाइम नहीं करना चाहिए, नॉलेज है। यस। और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मसाला ढूंढा जा रहा है, चिकन वाला मसाला ढूंढा जा रहा है डालने के लिए मुर्गे में। यस। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं और हम लोग घूम रहे हैं। इस्लाम भाई आए हैं बहुत दिनों के बाद, पेंट सुनवा रहा जो बना रहे हैं ये आप देख सकते हैं। और इधर नाले में पानी इतना साफ है, सॉरी बम्बा है, बम्बा है गाइस। तो गाइस ये बम्बे में पानी तो इतना क्लियर हो गया है, ऐसा लग रहा है कि मैं नहा लूं, मुझे गर्मी लग रही है। गाइस इनके लिए पंखा लगवाना पड़ेगा गाइस, उसका का सॉरी उस्मा का, क्या नाम है कंपनी का, सिस्का। अच्छा, उषा। ये देखो गाइस सौरभ जोशी का कुत्ता। तो गाइस फाइनली घूम फिर कर हम आ चुके हैं काका रेस्टोरेंट पर।
इस्लाम भाई को आ गया पसीना चलते चलते, इसलिए ये ले ली है थम्स अप। तो गाइस ये आ गई है पेटीज। अरे कैसी प्लेट देंगे, इनके पेट मर गए। कमजोर कमजोर की हालत में है प्लेट। और गाइस हमारे घर पर ये आ चुके हैं, ये आप लाए हमारे लिए कुछ? नहीं, गजब बेइज्जती है। बच्चे हैं क्या है यहाँ पे? कचरा नहीं फेंका जाता है गली में, कोई बच्चा फेंकता तो भाई से दरवाजे पर कचरा फेंक गया अब क्या होगा? हम नहीं गाली देते और तू फेंक दिया। देखो कचरे फेंकते फिर रहे हैं। बहुत अच्छा जी ले तो आया धागे, जमीन में कह रहा धागे ले तो आया और जिम में रखे पड़े। देगा मेरा कमा एक और लिया था कल। तीन ही है और दो बता रही है। कैसी मतलब दो काले लिया था और दो ग्रीन, चार दस का नोट दिया था, चार धागे गया, तीन रुपए का मिल गया। ओ इधर तो बड़ा सस्ता मिला। इधर से गया था धोबियों वाली गली में से और बस तीन का धागा है तो पिल्ला देना दो चार और। ठीक है कलर सफेद काला मिलता ही है। अरे जुम्मन है मम्मा चिकन खाएंगे आज। चिकन चिकन उड़ गया, हम तो चिकन बनते हुए छोड़ के गए थे बाहर। उड़ गया चिकन क्यों उड़ा दिया? बना नहीं, रेडी नहीं हुआ। बता देखो लाइट चली है और अपने घर गैस है नहीं, चूल्हा खराब पड़ा, किस चीज पे बनाऊं बता? देखते हैं ये झूठ बोल रही है सच खाली है। अच्छी बोल रही है लगता है। यकीन नहीं आ रहा है। ना 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 अपने घर चूल्हा सिलेंडर सब चीज अच्छे घर बनाए वो से ले गया है। जा चल चल तो हमारे भरी। अरे चल जल्दी ले जा अपनी टाइम फूक में को ला दे ला। और क्या मैं क्या करूं, मैं अपने घर काम कर रही हूं। गाइस मुर्गा खाने का बहुत मन चल रहा था, मम्मा ने बनाए नहीं अब तक, अब मैं क्या करूं? अरे तो मैं बता नहीं रही हूं, गैस कहीं उड़ गई तो उसके साथ गैस के साथ साथ मुर्गा भी उड़ गया। अब क्या हुआ बताइए? एक सिलेंडर गैस उड़ गई हमारी, ये पता ही नहीं चला। नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, चूल्हा भी फूक गया, चूल्हा भी खराब हो गया। सच्ची में ये कैसे हो गया? गाइज अब हुआ क्या कि आज का जो मुर्गा सुबह से मतलब शाम से जो बन रहा था वो कैंसिल हो गया है। अब वो मुर्गा रख दिया जाएगा फ्रीज में। पहली बात तो कि वो चीजें खराब हो गई, गैस खत्म और लाइट आई नहीं। फिर अब क्या है कि हम जा रहे हैं कहीं और खाने के लिए, दूसरों के घर पे दावा बोलना पड़ेगा। तो ठीक है गाइज आज मतलब आज के ब्लॉग कहीं पर एंड कर देते हैं। हमारा मुर्गा तो उड़ गया, मिलेंगे कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक गाइज अल्लाह हाफिज़। बाय। मम्मा तैयारी कर रही है, तैयार हो रही है मुर्गा खाने मतलब खाना खाने जाने के लिए। ठीक है गाइस बाय बाय।